आज हम सब पढ़ने वाले हैं माल्टोज। देखिए माल्टोज का जो अरूप सूत्र होता है C12H22 वो 11 होता है। देखिए क्या होता है, जब अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज के दो अरूप सामने सामने होते हैं, जब अल्फा डी ग्लूकोज के दो अरूप सामने सामने होते हैं तो कार्बन नंबर एक अरूप का कार्बन नंबर फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एक अणु का कार्बन नंबर जो पहला होता है उसका कार्बन नंबर फर्स्ट और जो दूसरा होता है उसका कार्बन नंबर फोर्थ के बीच में अभिक्रिया होता है तो क्या हो जाता है। देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट इसका लेंगे और कार्बन नंबर सेकेंड फोर्थ इसका लेंगे तो यहाँ से आपका एच यहाँ से ओ एच बाहर हो जाएगा तो आपका उस इस प्रकार बनेगा। अब यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया है, ये बचा O, तो O आपका ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन OH H OH H OH H H OH OH ये आपका बन गया माल्टोज। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।